दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू। दोस्तों, मैं इस वीडियो में विकास परक का अगला समसामयिकी बताऊंगा। दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स बताऊंगा। दोस्तों, ये जनवरी 2019 का विकास परक का करंट अफेयर्स है। दोस्तों तो दोस्तों, इसमें पहला न्यूज मैं बता दूं दोस्तों कि कामधेनु विश्वविद्यालय में पंचगव्य कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। वो दोस्तों पंचगव्य कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, ये पंचगव्य कोर्स के तहत दोस्तों इसमें दंत मंजन, गो फिनाइल, स्टूडेंट लोग को भी इसका फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कामधेनु विश्वविद्यालय में दोस्तों इसका कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगले साल से कोर्स के रूप में इसमें सबसे पहले इसमें डिप्लोमा किया जाएगा दोस्तों, बाद में जो है इसको डिग्री भी इससे कराया जाएगा दोस्त। पंचगव्य से दोस्तों डिप्लोमा कराया जाएगा, फिर जो है कुछ दिन के बाद इसमें डिग्री भी कराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज अगला समय की बता दूं दोस्तों कि अब छत्तीसगढ़ में बायोफ्लाक तकनीकी से मछली पकड़ा जाएगा। दोस्तों, बायोफ्लाक तकनीकी से दोस्तों ये क्या होता है मैं बताता हूं। इसमें मछली पालन करने के लिए कोई तालाब की जरूरत अब नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्या होगा कि अपने घर के पास या फिर अपने खेत में दोस्तों 250 स्क्वायर फीट का जो है गड्ढा जो है बनाया जाएगा दोस्तों, टैंक बनाया जाएगा सीमेंट से और उसमें मछली का उत्पादन किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, यह तकनीक ब्राजील के आधार पर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है चालू कर दिया गया है दोस्त। इसके तहत दोस्तों 8 महीना में 2 क्विंटल मछली का उत्पादन किया जा सकता है। 8 महीना में 2 क्विंटल मछली का उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों। इजराइल और इंडोनेशिया में दोस्तों बायोफ्लाक के तहत मछली का उत्पादन किया जाता है और अब छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसको स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। ब्राजील के जैसे जैसे होता है वैसे ही यहाँ भी उत्पादन भी किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स बता दूं दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में स्टीविया की खेती की जाएगी दोस्तों। स्टीविया एक क्या है, खेती है दोस्तों, जो कि हम लोग को मीठापन देगा दोस्तों, शक्कर के जगह का काम करेगा दोस्तों। तो बता दूं दोस्तों, इसमें बहुत लाभदायक है दोस्तों कि बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा शक्कर का जो है उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों, स्टीविया की खेती करके। इसमें सिंचाई का मात्रा भी बहुत कम दोस्तों, 1% बस लगता है। मतलब कि गन्ना में जो 100% लगता है तो मात्र स्टीविया में 1% जो है सिंचाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए 100 लीटर अगर गन्ना में सिंचाई किया जाता है तो इसमें मात्र 1 लीटर में ही इसका सिंचाई हो जाएगा दोस्तों। कुंडा गांव के जो है दोस्तों 400 किसानों ने इसके लिए सरकार का जो एक उपक्रम होता है दोस्तों, उसका नाम है सी एस आई आर संस्था जो होता है दोस्तों, उपक्रम होता है, उससे जो है परमिशन ले लिया है दोस्तों। कुंडा गांव के 400 किसानों ने दोस्तों इसके खेती के लिए परमिशन ले लिया है दोस्तों। चीनी से 300 गुना अधिक मीठापन देता है दोस्तों। चीनी जो होता है, शक्कर जो हम लोग यूज करते हैं, उससे 300 गुना अधिक स्टीविया जो है शक्कर, मतलब चीनी शक्कर का मात्रा देता है दोस्तों। इसमें क्लोरी की मात्रा 0 होता है दोस्तों, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है दोस्तों। क्लोरी की मात्रा जो है 0 होता है स्टीविया में दोस्तों। अमेरिका, यूरोप और जापान में दोस्तों इसका खेती स्टीविया का पहले से किया जा रहा है और दोस्तों अभी वर्तमान में दोस्तों चीन से हमारे यहाँ स्टीविया का आयात होता है दोस्तों। चीन से लाकर यूज किया जाता है इंडिया में, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसका खेती किया जाएगा स्टीविया का। अगर दोस्तों गन्ना का खेती हम लोग 30 एकड़ में करें और 1 एकड़ में जो है स्टीविया का खेती करें दोस्तों, तो दोनों बराबर होगा दोस्तों। वो 30 एकड़ और 1 एकड़ का स्टीविया, जितना ये शक्कर 30 एकड़ में देगा उतना स्टीविया 1 एकड़ में शक्कर का मात्रा दे देता है दोस्तों। स्टीविया अगर लगाया जाए दोस्तों तो 1 साल में 1 एकड़ में 3 से 4 लाख का मुनाफा हो सकता है हमको दोस्तों। एक बार लगा देने पर स्टीविया 5 साल तक खेती देता है दोस्तों, उससे मतलब उसी जड़ से उसी पेड़ से हम 5 साल तक लगातार उसका जो है ले सकते हैं शक्कर उससे दोस्तों। और अगला न्यूज मैं बता दूं दोस्तों, कोंडा गांव में मीठा तुलसी का उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। कोंडा गांव में क्या मीठा तुलसी का उत्पादन किया जा रहा है, ये ऐसा शक्कर देगा दोस्तों जिसमें शुगर फ्री होगा दोस्तों, ये शुगर फ्री मिठास है दोस्तों।
तो दोस्तों अगला न्यूज में बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी बेफेलो मतलब जो भैंसा है उसको पंजीकृत नस्ल कर दिया गया है। दोस्तों पहली बार ऐसा कोई नस्ल है छत्तीसगढ़ में जो कि पंजीकृत रजिस्टर किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं अगला समसामयिकी लेकर आऊंगा दोस्तों।